अब्दुल्ला साहब के बयानों का अगर आप पिछले एक महीने से आप बयान देखेंगे तो मुझे लगता है कि उनको जांच अपनी करवानी चाहिए। कभी वो कहते हैं कि चाइना की वकालत करते हैं, कभी पाकिस्तान की वकालत करते हैं। कल अचानक उनको पता नहीं कौन सा दौरा आया। अब टेररिस्ट को मारना नहीं है, नाउ इट इज़ यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी मीन्स केंद्र शासित, सेंट्रल रूल, और जिसमें लैंड ऑर्डर हो, सिक्योरिटी हो, बाकी चीजें हो, ये सीधे सीधे केंद्र का अधिकार है, केंद्र का मैंडेट। फारूक अब्दुल्ला साहब कुछ भी कभी भी कह सकते हैं, उनको इतना डिस्काउंट दे देना चाहिए। हम तो लगभग 80% डिस्काउंट दे देते हैं और अगले साल तक पूरा 100% डिस्काउंट दे दीजिए। मैन्युफैक्चरिंग ही अपोजिशन में हुई है। मैं जब बीजेपी में आया हूं तो हमने अपोजिशन ही देखी, हमने सत्ता केवल 2-3 साल के लिए देखी है, इसके अलावा तो हमने अपोजिशन देखी। हमें बड़ा मतलब खुशी मिलती है जब हम लोगों की आवाज बन के अपोजिशन में रहते हैं। और मैं आज धन्यवाद प्रकट करता हूं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, सेंट्रल लीडरशिप का, स्टेट लीडरशिप का, और विशेषकर आज दो ऑब्जर्वर्स जो आए थे, यूनियन मिनिस्टर श्री प्रहलाद जोशी जी और जनरल सेक्रेटरी श्रीमान तरुण चुग जी, जिनकी देखरेख में हमारे सारे साथी विधायक, मेरे सीनियर विधायक सब ने यूनानिमसली मेरे नाम को स्वीकृति दी। मैं सबका धन्यवाद करता हूं और विश्वास दिलाता हूं अपने नेतृत्व को, अपने साथी विधायकों को, और विशेषकर जम्मू कश्मीर की जनता को कि एक प्रबल, एक मजबूत आवाज बनकर हम अपोजिशन में रहेंगे, लोगों की आवाज बनके, लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, एस्पिरेशंस है, उनको हम विधानसभा और विधानसभा के बाहर भी उठाएंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं और सबका मैं धन्यवाद भी करता हूं। सर मैं मानता हूं एक जंग चल रही है, एक युद्ध चल रहा है जिसे हम परोक्ष युद्ध कहते हैं, और उस परोक्ष युद्ध में हमें एक कंट्री के साथ साथ उसको बैकअप देने वाली और कंट्रीज के साथ भी लड़ाई चल रही है। ये कोई नया विषय नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से पिछले 5 सालों से, जब से 370 को धराशायी किया गया, एब्रोगेट किया गया, उसके बाद जिस प्रकार से यहाँ की सेना ने, यहाँ की अर्धसैनिक बलों ने इस आतंकवाद को ज़मीन दोज किया है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो ये नया अटेम्प्ट है पाकिस्तान का, जो एक नया मॉड्यूल उन्होंने यहां पे तैयार किया है नए तरीके से, इसको भी मात देंगे। कल ही आपने देखा होगा कि पहली बार बड़े टाइम के बाद एक ब्रेक थ्रू हुआ है, अन्यथा बड़े टाइम से हमारा एक वेट था, कल एक ब्रेक थ्रू हुआ है। यहाँ पे 3 टेररिस्ट, 2 कुलगाम में, इधर लारनू में और एक खानियार में, जिनको मौत के घाट उतारा है। आप देख लीजिए, सीरीज ऐसे ही चलेगी। और एक खुशी तो है, कम से कम लोकल रिक्रूटमेंट अभी काफ़ी डिक्लाइन हुआ है। जो FTs हैं, फॉरेन टेररिस्ट हैं, वो पाकिस्तान के एक प्रायोजित प्रोग्राम के तहत यहाँ पे आ रहे हैं, और उस प्रोग्राम को हम ध्वस्त करेंगे, धराशायी करेंगे, ज़मींदोज करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की और विशेषकर केंद्रीय गृह मंत्री की कमिटमेंट है, और उस कमिटमेंट के साथ पूरी जम्मू कश्मीर की जनता। सर कल से मीटिंग हुई, और भी मीटिंगें होंगी, वो मीटिंग करेंगे, हम भी मीटिंग करेंगे, वो एक तीर चलाएंगे, हम 10 तीर चलाएंगे, लेकिन हम हेल्दी अपोजिशन करेंगे। लोगों की जो बात होगी, जो उनने वादे किए थे, उन वादों को याद दिलाते हुए, और लोगों की जो एस्पायरेशन है, लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, लोगों की जो आवाज है, वो आवाज बन के हम अंदर रहेंगे, और कल उसकी शुरुआत है, आगे देखिए क्या होता है। बिल्कुल, अब्दुल्ला साहब के बयानों का अगर आप पिछले एक महीने से आप बयान देखेंगे तो मुझे लगता है कि उनको जांच अपनी करवानी चाहिए। कभी वो कहते हैं कि चाइना की वकालत करते हैं, कभी पाकिस्तान की वकालत करते हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने बयान दिया कि भाई पाकिस्तान के साथ किसी भी कीमत पे बातचीत नहीं। मैंने उस दिन वेलकम किया, मैंने कहा कम से कम भारतीय जनता पार्टी की लाइन को टोक किया फारूक अब्दुल्ला साहब ने। जो लाइन हम कह रहे हैं कि टेररिज्म और टॉक्स दोनों नहीं चलेंगी, वही लाइन टोकी। कल अचानक उनको पता नहीं कौन सा दौरा आया। अब टेररिस्ट को मारना नहीं है, तो उनका मैंडेट नहीं है ये उन्हें स्पष्ट होना चाहिए। नाउ इट इज़ यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी मीन्स केंद्र शासित, सेंट्रल रूल, और जिसमें लैंड ऑर्डर हो, सिक्योरिटी हो, बाकी चीज़ें हो, ये सीधे सीधे केंद्र का अधिकार है, केंद्र का मैंडेट है। किस तरीके से टेररिस्ट को, किस तरीके से इस जंग को, किस तरीके से सिक्योरिटी सिचुएशन को, किस तरीके से लैंड ऑर्डर को हैंडल करना है, इट इज़ द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और पर्टिकुलरली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। फारूक अब्दुल्ला साहब कुछ भी कभी भी कह सकते हैं, उनको इतना डिस्काउंट दे देना चाहिए। हम तो लगभग 80% डिस्काउंट दे देते हैं और अगले साल तक पूरा 100% डिस्काउंट दे दीजिए।